ने खुलेआम खोल दिए हैं टीना दत्ता के पोल। खुलेआम सलमान खान ने कर दी है टीना दत्ता की बेइज्जती। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइज, आप सभी को बता दूं कि बेसिकली जिस तरीके से टीना दत्ता का ये कहना है, ये रिएक्शन है कि उनके पांव में चोट लगी है, मोच आया है, जिसकी वजह से ये सारे कारनामे हुए, कांड हुआ एमसी स्टैन और शालीन के बीच में। लेकिन यहाँ सलमान खान ये कहते हुए नजर आए कि टीना, क्या बिग बॉस के घर में इतने बड़े बड़े होल्स और छेद हैं कि आपकी पैर अंदर गई और फंस गई और जिसके बाद आपके पांव में मोच आ गई और काफी दर्द हुआ। हालांकि जब शालीन और एमसी स्टैन लड़ रहे थे तब तो टीना ने कुछ भी नहीं कहा, तब वो देखती रही। लेकिन जैसे ही सुम्बुल वहां पर आई और सुम्बुल ने बोलना शुरू किया, तब टीना दत्ता का जवाब और मुंह अपने आप ही खुल गया और टीना दत्ता भड़क उठी और जवाब देते हुए वो वहां से निकल के नॉर्मल चलकर कैप्टन रूम में पहुंच गई। तो अब तक जहां टीना के पैर में दर्द थे, काफी मोच आई थी, तो उस वक्त जब वो सुम्बुल से लड़ रही थी तब उनके दर्द कहां चले गए और तब वो कैसे कैप्टन रूम तक नॉर्मली वॉक करती हुई नजर आई। तो यहाँ पर शालीन और एमसी स्टैन के बीच में जो झगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं टीना दत्ता इसकी रूट कॉज है, यानी कि जड़, जिसको कह सकते हैं टीना दत्ता बनी है। टीना दत्ता की वजह से एक्चुअली कहीं ना कहीं बहुत सारे कारनामे और कांड हुए हैं। इसे सलमान खान रिवील करते हुए नजर आए हैं कि क्या टीना वाकई बिग बॉस के घर में इतने बड़े छेद हैं जिस पर हाथियों ने चल चलकर इतने बड़े छेद कर दिए कि आपके पांव में भी चोट आ गई है उसकी वजह से। तो सलमान खान ने बहुत ही सार्केस्टिक वे में टीना को ये टॉन्ट किया है और बताया है कि टीना के पैर में कोई चोटें नहीं लगी थी, टीना ने सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की थी। तो क्या वाकई आपको लगता है कि टीना को चोट नहीं आई थी, टीना ने सिर्फ एक्टिंग की थी और ये सारा कारनामा और कांड टीना दत्ता की वजह से हुआ है? अपने रिएक्शन जरूर बताएं इस कमेंट सेक्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।